हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? एक बार फिर सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। मैं पावर बैंक को ना मोबाइल समझा, सोच रहा आपको टाइम दिखा देता हूँ। अभी लगभग 9:30 बज चुकी है और ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और मम्मी तो पता नहीं घर दिख ही नहीं रहे। मैं उठा उसके बाद चाय वगैरह तो मैं पीता नहीं डेली, मेरे लिए चाय को रहने नहीं देते हैं। खाना अभी भूख नहीं लगी हुई है। और बिट्टू पता क्या कर रहा है? आपको बैकग्राउंड में आप लोगों को हल्की सी आवाज़ आ रही होगी, बिट्टू ना वजन चला रहा है। ये मोबाइल खराब पूरा फूट गया है। देखो कैसे हालत रख दी इसकी। ये नंबर पर सो जाना भाई। अच्छा नंबर कितना खराब है मोबाइल, फिर भी इसको चला लेता है ये। और इसमें गाने लगा दिए इसने, मुझे देख के शर्मा गए। ये चोली कौन है? ये घूंघट में चोली कौन है? ये तोली कौन है? मैं तेरी। इसका नाम क्या है चोरी का? मेरे नाम है ना तन्नू और शिवन्या। तन्नू और शिवन्या है? हाँ। तो तन्नू का रियल नाम है शिवन्या। और काफी सारे लोग पूछते हैं बिट्टू का रियल नाम क्या है, तो आप बताएगा बिट्टू आपका रियल नाम क्या है? युग लोकरे। बिट्टू का रियल नाम है युग। लगभग 10:15 बज चुकी है, 10:15 बज गई है। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ सिस्टर को छोड़ने के लिए रोड तक। वो जा रहे टाटा कर। ये जा रहे आज घर। गांव का नाम क्या है आपके? धमाशा। जो कि उनके पास में ऐसे पहाड़ी इलाके में रहते हैं ना, पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर एक ही घर है। तालाब में जाऊंगा ना बाय चांस उधर, तो आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत अच्छी जगह है। तो तालाब भी है। अब दीदी का खुद का तालाब है। अभी नावन भी चलती है। जहाज चलते। ऐसा जहाज भी चलते हैं? अच्छा वो छोटे वाले जहाज। तो कभी जाऊंगा ना तो आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल तो छोड़ के आ जाता हूँ दीदी को। बस स्टैंड तो छोड़ के आ गया, लेकिन बच्चों का ना पैसे देना ही भूल गया। क्योंकि रहता ना कि बच्चे की आस रहती है ना कि उनको मामा कुछ पैसे दे। अभी मैं फिर से जा रहा हूँ। ऐसा था कि देखो ये सब पैसा पहना हुआ मैंने, देखो ऐसा, तो इसमें वॉलेट रखते ही नहीं है ना। सोचो कि हमारे गांव का बस स्टैंड है कुछ इस तरह से दिखता है। देखो मेन रोड है ये डायरेक्ट खरगोन के लिए जाता है, और एक रोड उमर खली के लिए जाता है। इनको मैं पैसे देना भूल गया था, वरना वहां जाके बोलते मामा ने तो पैसे नहीं दिए। दोनों का है ना, दोनों बांटना है इसमें ना। गुस्सा हो रहे थे क्यों पैसे नहीं दिए करके? अगर हम मिल गए ना। तो अभी ले लेते हैं समोसे बच्चों के लिए। 5 बनना है और चटनी भी बांध देना। लो लो काटे पैसे कितना दिया तुमने? 200 घट गया। कितना काटना? 50। समोसे ऐसे बनते हैं। ये क्या बोलते हैं इसको? कचौरी। ये कचौरी बनाने की समोसे? अरे समोसे ये बने हुए, ये भी ऐसे बनाए क्यों? इस तरह से बनते हैं ना अभी, और उसमें ऐसा बन जाता है और कचौरी गोल हो जाती है ना। और ये तेल से बनेगी, अभी थोड़ी देर से बनेगी, बना ले यार। ठीक है, मेरा दोस्त है ये। तो अभी जाता हूँ फटाफट समोसे लेके घर। तो घर आ गया हूँ निकले। इसमें ना वो दीदी ने उनके बच्चों के लिए भी लेके आया था मैं, बट क्या करे, जैसे मैं गया ना वहाँ पर वापस, तो शायद बस आ गई थी तो चले गए। मैं नहीं खाता हूँ लेकिन मैं भी खा लूंगा अब। बिट्टू चमचे तन्ना समोसे बंद कर। दे रहा हूँ। मम्मी पता नहीं कब चले गए। झाड़ू नहीं है तो फिर क्या करें बेटा? मैं तो सोया हुआ था, मम्मी झाड़ू लेके आ गई। अरे इतना कचरा क्यों निकला? अरे मम्मी ये तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। अरे मोटी वाली होना भाई, बहुत ज्यादा फड़े आते हैं इसमें, कहीं नहीं फड़े। बता अभी झाड़ू को चेक कर रहे थे फिर कैसी है झाड़ू? इसमें कहीं नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा जब मोटी है। चलो समोसे में गिरेंगे। उधर है दूधे बेटा, दो समोसे। लोकल है, लोकल है ना? लोकल है। 60 रुपए वाली दिख रही मुझे। और मम्मी 100 रुपए दे के आ गए। समोसे खाना है कि नहीं इतना बोलो ना, फिर बोलना मत कि पूछा नहीं।
टेस्टी लगते है समोसे। यहाँ नहीं खाना है। बैठो बेटा, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, लाओ मुझे भी दो ना मम्मी। पांच ही समोसे ना मम्मी। कमल तो गया है ट्रैक्टर पर, और वैसे भी ये खाता नहीं हो ज्यादा ये तेल वाला। मैं भी नहीं खाती, कभी नहीं खाती। लाओ नहीं खाते तो मुझे दे दो। लो सो गया था। हैं? तो सो गया था। भजन कौन चला रहा था? झूठे। हैं? तो चिल्लू करके चला रहा था। हम्म, सो गया। अरे मुझे, अरे मुझे भी कटोरी में दो ना। पूरे कटोरी, ये कटोरी ले लेता हूँ मैं। आप भी कटोरी में ले लेना हमें। चटनी अच्छी नहीं दिख रही है। रेड ज्यादा रहते तो उसमें ज्यादा अच्छा लगता है। कैसा लग रहा समोसे? अच्छा लग रहा है। कैसे लग रहे बेटा? कैसे? नम्मा। और तेरे वो डायलॉग के, हाँ हाँ आप बोल फिर से कैसे? हाँ यही तो तेरा डायलॉग सुनना था मुझे, वो टेस्टी। ये मम्मी का देखो, ये मम्मी का, मम्मी खा रही है, ये तनु खा रहा है, वो बिट्टू खा रहा है, ये दीदी खा रही है, और ये मैं खाऊंगा। फिलहाल हो रही है हम लोगों की समोसा पार्टी, ये समझ सकते हो ठीक है। खाना हो गया लगभग सभी का? खा लिया? खा ले। पापड़ी, पापड़ी निकाला। अभी चली रहा है इनका खाना तो। दीदी ने खा लिया। ये दीदी और क्या कर रही है? वो अचार में राई डाली। अचार में राई नहीं डाली, थोड़ी सी आती है उसमें, अपने घर से डालते तो अच्छा लगता। मम्मी झाड़ू लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। ये झाड़ू से अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, लगाओ फिर लगाओ। तो अच्छा अच्छा। दोपहर के 12 बज चुके और अभी पता है मैं जो देखने के लिए था, जहाँ से हम हमारे का लाइट आ रहे ना, वो खम्भे को देखने के लिए गया था, क्योंकि बार बार लाइट ना बंचल बंचल हो रहा है। अच्छे से ना, अच्छे से। डांस कर रहे हैं। आ गया काम पर से, इसका सिर दर्द करता है फिर भी काम पर चले जाता है। आपने रोटी नहीं खाई? समोसा खिला तो दिया था आपको। वो काफी नहीं खाई मैंने रोटी। सो ये लेके आए हम। काका झूठ बना ये खा रहा है। और तन्ना बताया आप, बिट्टू मम्मी आप गए थे ना उस दिन, हम लोगों ने जूस बना के पिया था। हम जाती रहता। ये आम जूस के थोड़ी ना, थोड़ी ये जूस के थोड़ी आम है ना, तो देसी है ना, देसी आम है ना, देसी है, देसी का ही अच्छी आती है, अच्छी आती है। और इधर कमल खाने लग गया है खाना। क्या बना? क्या ये दाना? मूंगफली के दाने आते हैं ना, मूंगफली के दाने, उसका कुछ बनाया हुआ है देखो। और ये इस तरह से धरती माता को एक निवाला खिलाना पड़ता है, हमारी आदत है सभी की, आपने नोटिस करा होगा। देखो इसको, देखो बिट्टू ने एक आम ले लिया है और उसमें से जूस इसमें निकालेगा कप में, ऐसा बोल रहा है। क्या किलो है आम? आम 40 से 50। ये है 40 रुपए। ये 40 के 50? ये 40 और ये 50? ये तो ज्यादा बड़ी दिख रही है, छोटी दिख रही है, फिर भी ये महंगी है। स्वाद अच्छा है इसमें। अच्छा स्वाद अच्छा, तो इसमें ना टेस्ट अच्छा है, इस वजह से ये महंगी है, और इसमें अच्छा नहीं है। नहीं अच्छा है इसमें भी। अच्छा है वो, ज्यादा से ज्यादा मीठी है, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 या कलर का फर्क है ना। पहले ये तरबूज बेचने के लिए आते थे, अब सीजन आ गया आम का, सीजन चले गया। क्या नहीं खाते? इतनी तो खा गया तू। जूस की रहना था यार, जूस वाले आम वहाँ मिलेंगे सर, घर मिल जाएगी कितने मिले? वो क्या किलो है जूस वाले? 60 रुपये वही किलो। ये जूस की हम नहीं लाए, सब मिल जाता है इनके यहाँ, सारे फ्रूट मिलते हैं, कोई सा भी चाहिए। अभी मतलब सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, सीजन चलेंगे तभी आएंगे वो भी। आम खाना चल रहा है और बिट्टू को नहाना है, उधर जा रहा है नहाने के हिसाब से। कैसा है टेस्ट आम का? अरे तन्नू गंदी हो रही, मम्मी मारेगी, तन्नू गंदी हो रही है तेरे। नहाएगी। तेरे जो तो जिस हाथ से खा रहे है ना बेटा, उसी हाथ से तेरे कपड़ों के ऊपर गिर रही है, गिर रहा है आम। अच्छा नहाओ क्या? तो ऐसा बंदा नहाऊंगा तो सही। मीठी है, मीठी है। ये कैसे खाते है आम? खाते तो पूरे गंदे हो जाते। अच्छा नहाना है, नहला दो, नहला दो, कि खुद ही नहाएगा ये है? अभी देखें, ये ना खुद ही नहा लेता है ये। ये क्या बोल रहे, 1 किलो हम और ले लेना था शाम को, जैसे वो रस बनाते ना हमारे इधर ना, रस रोटी बनती है, तो उस हिसाब से बोल रहे। मम्मी मैं रस नहीं खाऊंगा, है ना, मैं रस नहीं खाऊंगा, पहले बोल देता हूँ।
रोशन चावल ना अच्छी लगे। ओ, मैं नहीं खाऊंगा, हम तो खाएंगे अच्छा बना देना। तू ला जा, तुम मत खाओ। वैसे ये गेटअप कैसा लग रहा है बिट्टू का? मद्रास हीरो लग रहा है बिट्टू। ए गुंडे 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 को भेजो, अभी मैं बनाती हूं। अरे अरे लोग जाने वाले हैं। अरे ये लो इतने बेचे तो लग रहे हैं। आप मैं देख लूंगा, मुंगी डाल दूंगा। बिट्टू की इज्जत नीलाम कर दी मैंने। सामने देखा बिट्टू कैसी क्या मस्ती कर रहा। जिसने भी यहाँ तक देख लिया होगा तो मजा तो आया होगा बिट्टू को आज देख देख के। आज बिट्टू ने बहुत ज्यादा एंटरटेन करा होगा आप लोगों को। फिलहाल वेट कर रहे बिट्टू आता ही कहीं ऐसे। ये आ गया देखो, आप तो कुछ और ही गेटअप करा है। अरे वाह यार, अरे गजब यार। ये सुपर गर्ल है, ये तन्नु सुपर गर्ल बनी है और इधर सुपर मैन देखो। ये कल का ब्लॉग तो टाइम पर अपलोड हो गया, आप लोगों ने 6 बजे से ब्लॉग देखना शुरू कर दिया था। और अब से तो मैं डेली नाइट में एडिटिंग कर लिया करूँ चाहे कुछ भी हो जाए। और घर पर क्या हो रहा है अभी बता देते अभी के टाइम पर। तो इधर मम्मी देखो गेहूं लेके, ये कौन साफ करता है? बारीक वाले गेहूं है देखो, जिसमें तो थोड़े बहुत कर होंगे या कुछ कचरा होगा वो साफ करो मम्मी। लेकिन इसका क्या करोगे मम्मी? अच्छा हाँ, इसको मिला देंगे, इसका भी आटा बन सकता है। अच्छा अच्छा ठीक है, वेरी गुड। और इधर तन्नू और कमल को देखो, जैसे मैंने बोला था ना, जैसे आज आपको नहीं देखा होगा दोपहर को आम लिए थे, देखो आमरस बना लिए और कमल खा रहा है। कैसा लग रहा है? एक नंबर। तन्नू कैसा लग रहा बेटा? बहुत टेटी। हाँ आपका यही डायलॉग मुझे सुना रहता है, बहुत टेटी। भैया कहाँ है? तो बिट्टू चले गया है खेलने के लिए और मुझे भी लग गई है भूख, बट मैं ये रस जो है ना आम का वो मुझे पसंद नहीं है। मम्मी कुछ बनाया मेरे लिए? आप बनाओगे कि बना लिया? नहीं वेट करते कब मम्मी बनाती तब खा लेंगे, ठीक है? नाना तो मेरा होप से आपको पता ही है खाने में क्या बना हुआ है। आम का रस होता ना जैसे जूस आपके समझने के लिए, वो बना हुआ है उसी के साथ चावल या रोटी बनेगी वो खाएंगे, ठीक है? लेकिन मैं वो नहीं खाता हूँ तो मेरे लिए सेव की सब्जी बना दी है। ओ मम्मी बन गई? बन गई। क्या क्या बनाया? रस चावल ये खाना, वो क्या बनाया? सेव की सब्जी बन गई और साथ में रोटी बन गई ना, रोटी भी बना दी। इधर ये मेरे लिए निर्मल जाना है रोटी, रस रोटी दिखाओ। सॉरी रस चावल, ये आम का रस बनाया हुआ और ये चावल है। आ गए हम लोग छत के ऊपर, यहाँ बिट्टू देखो बैठा हुआ है और कमल ने ये सीमेंट का देखो राला घोर लिया है और यहाँ पे लगा रहा है। वो जैसे आपको याद ही होगा पिछली बार हमारे छत टपक रहे थे ना, आपको याद ही होगा, काफी सारे लोगों ने वो ब्लॉग देखा, अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला उस पर। उसी को ठीक करने के लिए अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि अब अगली बरसात आए तो अंदर पानी ना टपके। तो ये कमल को जुगाड़ कर रहा है, ये देखो इस तरह से लगा रहा है। इसको वैसा नहीं लगाना सारे, इसको माल के साथ करके ना से बिछाना, देखो ये तो उखड़ जाएगा।
चिपकी जाएगी। कुछ ये कर रहा है, जुगाड़ कर रहे, देखते हैं क्या होता है, अगली बारिश में पता चलेगा। चादर के लिए कुछ लाया कि नहीं? उसके लिए भी लाया, चादर के लिए भी लाया है, कुछ चिपकाने के लिए। देखो ये हाथ से ही कर रहा है, इसके हाथ नहीं फट जाइए। ये देखो आप मम्मी समझाने के लिए आ गए, यहाँ भी लगाना थोड़ा सा। कहाँ पर? इधर कई टंकी के पास भी देखो, यहाँ थोड़ी टपकता है मम्मी। यार ये वायर से जा रहा था पानी, तो वो जो अभी पाइप बता रहे ना, वो कहाँ पर है बताऊँ? ये गैलरी के उधर है, उधर। ये दीवार के अंदर नहीं है, अपने रूम के अंदर नहीं है। वो टीवी के ऊपर बैठ गया। हाँ चिमट नहीं, सीमेंट होता है वो, तो ये सीमेंट। हाँ थोड़ा तरी वरी तो करता जाएगा क्या? मम्मी बता रहे निमाड़ी भाषा में बोल रहे ब्रज को कि गयो नी तो पानी पानी हुई गयो ऐसा। मतलब वही जो हुआ था, पानी पानी टपक रहा है, उसको निमाड़ी भाषा में बोल रहे थे मम्मी। ये देखो कमल ने लगभग जितना भी सीमेंट घोला हुआ था ना, मतलब राधा बनाया था ना, सब ये लगा दिया। देखो ऐसे लगाया हुआ है, देखो ये देख सकते हैं, ये एकदम प्लेन कर दिया ताकि पानी अंदर ना घुसे। ऐसा किसने करने के लिए बोला क्यों कमल? ऐसा किसने बोला? मेरे मन से था। अच्छा खुद ने ही खुद को बोला है ना? वाह यार, खुद खुद को कितना समझा देता है। और ये सीमेंट खुली सीमेंट लेके आया था ना, क्या किलो मिली? 10 रुपए किलो मिली खुली सीमेंट। कमल ऊपर तो रिपेयरिंग करके आ गया, अभी यहाँ पे कर रहा है। जो दरार है ना जिसमें से पानी टपका था, देखो यहाँ से टपका था पानी, ये यहाँ से लगाकर वहां तक वो कोने तक का पानी टपका था, डायरेक्ट होल में गिरा था, तो वही इधर अंदर भी रिपेयरिंग कर रहा है ये। सो फिलहाल कर ही रहा है कमल ये, इस तरह से ये दरार को भर रहा है। देखो ये